बताइए नवाज शरीफ साहब का वीजा क्या बना उनका? वीजा रिजेक्ट हो गया मलिक साहब उनका, 6 महीने की उनके पास जो एंट्री थी वीजा के ऊपर, उन्होंने दरख्वास्त दी थी इसकी एक्सटेंशन के लिए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट है उसने एक लेटर लिखा था कि भाई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में है उन्होंने एक्सटेंशन की दरख्वास्त की है, जिस पर इनसे राय मांगी गई थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट है उसको ये जवाब लिखा गया है कि नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार नहीं है, नवाज शरीफ धोखाधड़ी देकर के जरिए पाकिस्तान से गए हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए उनको किसी किस्म की मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई वीजा एक्सटेंशन ना दी जाए। ये एक लेटर लिखा गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से, रिप्लाई दिया गया था बाकायदा तहरीरी तौर पर। और तो शहजाद अकबर के उस लेटर के ऊपर बरतानिया ने वो वीजा रिजेक्ट कर दिया, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ। आपने इसकी क्रॉस चेक कर ली है, वेरिफिकेशन कर ली है? जी जी बिल्कुल जी, मैंने वेरिफिकेशन की है और बाकायदा शहजाद अकबर साहब ने मुझे कहा है कि जी वो लेटर मैंने लिखा था। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास आई है कि वीजा रिजेक्ट किस तरह हुआ है, वो मुख्तलिफ और सोर्सेज ने भी हमें चीज को कंफर्म किया है कि यार आप हुकूमती ज़राए को थोड़ा सा डाउन प्ले करें, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो गया है कि जो वीजा रिक्वेस्ट थी नवाज शरीफ की रिजेक्ट की। और साथ साथ हमें ये भी बताया कि अब सिर्फ 3 ऑप्शन नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं, या तो वो एमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जिसका शेख रशीद साहब बड़ा जिक्र करते थे, अगर आपको याद हो तो आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के पास ये ऑप्शन है कि भाई वो एमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट लिए और पाकिस्तान आए, दूसरा ये है कि वो वीजा रिजेक्शन के हवाले से एक अपील दायर करें, और तीसरा ये कि वो असाइलम के लिए अप्लाई करें। तो ये 3 ऑप्शन नवाज शरीफ के पास है। एक ऑप्शन जो डायरेक्टली जो एज अ विजिटर उनके पास था वो उन्होंने अप्लाई किया और वो उनका रिजेक्ट हो गया वीजा।